फाइनली जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया और ये लोग आ चुके हैं। तो मैं ज़रा चाय पानी देख रही हूँ, मतलब खाने पीने के आइटम्स तो दे दिए हैं, चाय रख रही हूँ, और चाय देने के बाद जब टाइम मिलेगा आप लोगों से बात करूँगी। अभी कुछ दिन जो है थोड़ा सा बिजी होने वाला है शेड्यूल में, कुछ दिन क्या मतलब पहला पहला दिन है थोड़ा ये रहता है, उसके बाद तो फिर रेंट लग जाते तो सारा काम कॉमन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कहा था कि मेरी जो सासू माँ पक्का फ़िश करी लाती हैं, वो लाई हैं, हिलसा फ़िश करी लेके आई हैं, मतलब बना बना के लेके आती हैं, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो देखिए पूरे अच्छी तरह पैकिंग करके लाई हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ लाई हैं। एक जो है घी का पैकेट लाई हैं, और एक जो मथुरा के लड्डू होते हैं उस टाइप के, सुनुंडा बोलते हैं यहाँ पर आंध्रा में, वो लेके आई हैं। और उसमें क्या है, कुछ ड्राई फिशेस लेके आई हैं। ड्राई फिशेस की करी भी काफ़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलता है, बट बड़ों का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए वो लेके आए हैं ये सब आइटम्स। तो चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात के बाद अभी मुलाकात हो रही है मॉर्निंग का, जो मैं लंच बना रही हूँ, मतलब लंच टाइम के लिए लंच बना रही हूँ सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई बना रही हूँ आदित्य के लिए, क्योंकि उसको मैं हमेशा मैक्सिमम फ्राई ही देती हूँ। दाल के साथ खाने में उसको अच्छा नहीं लगता है स्कूल में, क्योंकि उसको मिला के खाना नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों का जो है आलू चिपकता रहता है, इसलिए आलू आप जैसे ही तेल में डालते हैं इंस्टेंटली जो है नमक मिर्ची और हल्दी उसमें डाल के एक बार मिला के रख दीजिए, और बीच बीच में मिलाते रहिए, उससे आपके जो आलू फ्राई है वो एकदम अलग अलग बनेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरा आलू फ्राई बन चुका है, तो बहुत ही शॉर्टकट में दिखाया है, लेकिन सही तरीका यही है कि आपके जो फ्राई है क्रिस्पी बने। दूसरा मैं दाल बना रही हूँ, मेथी दाल। तो मेथी मैंने अच्छी तरह धो ली है, बाकी सब भी धो के कुकर में डाल दिया है, और मेथी वाली दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेथी डालने के बाद मैं इसमें एक प्याज डाल रही हूँ और एक टमाटर डालूँगी, और उसके बाद नमक मिर्ची एंड हल्दी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ, और अभी नमक मिर्ची एंड हल्दी मैंने डाल दिए। उसके बाद लास्ट में बस आपको ढक्कन लगाने से पहले इसको अच्छी तरह मिला के इसमें एक चम्मच तेल डालना है, और उसके बाद तड़का लगा देना है, आपकी दाल रेडी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का सारा काम खत्म, मतलब नाश्ता खत्म, लंच बनाना खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। और सबको मतलब सब इन लॉज ने भी, हस्बैंड ने भी, सबने खा लिया। अभी अभी अभिषेक टूटा, उसको मैं बाथरूम में ब्रश करने के लिए खड़ा करके आई हूँ, तो ब्रश कर रहा है। इस बीच में मैं जो है अपना किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं ही जो है ज़रा फ्रेश होके आ जाऊँगी। तो पहले किचन क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद नहाने के बाद मिलते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने देखा कल हमने बहुत छोटा सा इन लॉज के साथ में एक छोटा अपना एंगेजमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, तो ये सारा एक कोइंसिडेंस था। हमको भी याद नहीं था, मतलब याद था लेकिन ये याद नहीं था कि एंगेजमेंट वाले दिन हमारे इन लॉज यहाँ पे होंगे। तो कोइंसिडेंस में फैमिली, पूरी फैमिली के साथ अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो गया। तो इट वॉज अ वेरी लवली फीलिंग ऑल टुगेदर। और आज सुबह जो है मैंने डोसा बनाया था रेसिपी, तो आई मीन जो बनाया था वो तो मैंने दिखाई दिया था। और इसमें भी मैंने कल सुबह के टिफ़िन के लिए उड़द दाल भिगो के रखी है इडली के लिए, तो इसको मैं शाम को पीसूँगी, या तो जैसे सुबह ही भिगा दिया था दोपहर को पीस सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन माय फिजिबिलिटी, कब मेरे को टाइम मिल जाए। अभी डिशवॉशर में से बर्तन वर्तन सेट करने और दो चार बर्तन है वो उसमें अरेंज कर दूँगी, और रात को मैं जनरली ऑन कर देती हूँ जैसे आप लोग को मालूम ही है। चलिए अभी ख़त्म कर लेते हैं काम, इसका ढक्कन लगा देते हैं पहले। मैंने नेल पेंट लगाया था उसके बाद मैं रख के गई थी और इसने कबाड़ा कर दिया। ये देखो मैंने लगाया है NYB का ये मैट नेल पेंट है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शो योर नेल पेंट, इसका तो कुछ ऐसी अपने आप लग गया, बेडशीट पे भी थोड़ा लगा दिया इसने। तो आज जो है NYB की सेल चल रही है, सेल इन द सेंस कि 50% मैक्सिमम 50% आपको ऑफ मिल सकता है उस पर, और कुछ चीज़ें फ्री भी मिल सकती है, लिपस्टिक्स भी फ्री में मिल सकती है आपको। अगर आप अपने कार्ट में कुछ आइटम्स डालेंगे मिनिमम, तो वो सारे जो है आप साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या तो ऐप में भी चेक कर सकते हैं आप। ऐप में पूरा क्लियर डिटेल दिया हुआ है कि आप NYB के लिपस्टिक्स को फ्री कैसे अवेल कर सकते हैं, प्लस 50% आपको किसी में भी फ्लैट ऑफ कैसे मिल सकता है, वो सब आप साइट पर जाके देख लीजिएगा। तो NYB के मेरे पास जो मैं रेगुलरली कब से यूज़ कर रही हूँ वो सारे आइटम्स ही है जो मैं आए दिन चेंज कर करके लगाती रहती हूँ। तो नेल पेंट तो ये मैं लगा चुकी हूँ और अभिषेक ने भी एक स्टाइल में लगा लिया है। सो अभिषेक, व्हाट इज दिस नेल पॉलिश? नेल पॉलिश से नेल पॉलिश, नेल पॉलिश तो अभी नहीं बोल रहा, थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रही थी वो रिपीट कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और इसको भी नहला चुका है, लेकिन उसको बीबी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगा लेती हूँ। और आप लोग जैसे देख ही रहे हैं कि मेरे सासू माँ सब लोग आ चुके हैं, सासू माँ एंड माय फादर इन लॉ आ चुके हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम ली है, तो मैं यहाँ अंडर आई में भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि कंसीलर का भी काम कर लेगी। और इधर भी व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने पूरी बीबी क्रीम भी अच्छी तरह गले में और यहाँ पे फेस पे ब्लेंड कर लिए
और जब मैं ऐसे कर रही हूँ और अपना नेल पेंट देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि नहीं। और इसके बाद मेरे पास NYB का कोई कॉम्पैक्ट नहीं है तो मैं कलर बार का कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ। और NYB का ही मेरे पास काजल है तो मैं लाइनर और वो सब इससे लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, एकदम जेट ब्लैक कलर का है ये देखिए, और बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही स्मूथ है। तो देखिए मैंने काजल एंड आई लाइनर इससे लगा लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और काजल और ये जो लाइनर होता है उसके बाद जो चेंज आता है ना फेस में, मतलब तब पता लगता है कुछ मेकअप किया। अगर कुछ लगाओ या नहीं लगाओ, काजल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे लुक को चेंज करने के लिए। और NYB का ही मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, लिपस्टिक रेड है ये। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो अलग हाँ वाट ये जो पॉइंटेड रहता है ना उससे लाइनर बना लेती हूँ, लाइन बना लेती हूँ। कम्प्लीटली मैट फिनिश वाली है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ना, हॉट हॉट लुक दे रही है। एंड मैं बिंदी भी लगाने वाली क्योंकि घर में ही पहना है। ये वाली जो डेनिम की ड्रेस है आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। काफ़ी कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए, काफ़ी अच्छी लगती है। और बाहर जाते टाइम पहन सकते हैं बट मुझे लगा कि घर में यूज़ कर लेते ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम खुल्लम खुल्ला है तो उसको घर में पहन लेते करके मैं घर में पहन रही हूँ। और ये वाली जो है मैंने सोचा था पहले क्रेयॉन लगाती हूँ, ये एकदम न्यूड कलर में है तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, मतलब इस ड्रेस के साथ इतना मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ये नहीं लगाया, फिर मैंने वो रेड वाली लिपस्टिक ले ली। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए नीचे लिंक्स दे दूँगी, तो आप जो भी डिटेल्स है एक बार purple.com पे जाके नीचे लिंक दिया तो सीधे पहुँच जाएंगे आप, चेक कर लेना ताकि पूरी डिटेल्स मिल जाए और पूरा आप ना परख के चीज़ को ख़रीद पाए। और क्या लगाऊँ, बिंदी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लगा लेती हूँ। एंड दूसरी चीज़, जैसे मेरे इन-लॉज़ को तो मालूम है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ करके, बट सबको मालूम होता है लेकिन कंप्लीट प्रोसेस क्या चलता है कैसे चलता है वो सबको नहीं मालूम होता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है और कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं, बोलते आपके घर में क्या चारों तरफ कहीं CC कैमरास लगे हैं क्या, आप वीडियो कैसे निकालते हो, मतलब इतने सारे डाउट्स होते हैं लोगों को। अरे आपके दोनों हाथ तो खाली थे, आपने बोला था कि आप फ़ोन से निकालते हो वीडियो, तो आपने फ़ोन को कैसे रिप्लेस किया। मतलब बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है कि ट्राईपॉड पे हम लोग प्रेस कर सकते हैं और ऐसे ऐसे, मतलब आप जहाँ पे भी घूम रहे हो आपके पीछे पीछे कैसे आ रहा है कैमरा, मतलब ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो मेरे इन-लॉज़ को भी मालूम है कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ पर उनको अभी पहली बार ही देख रहे हैं वो, मतलब गाँव में भी मैंने निकाला था लेकिन जब तक कोई देखता नहीं, गाँव में मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ही गए थे 2 दिन के लिए, तो मैंने उस टाइम पे जब एक ही बार गई थी जब ज़्यादा शूटिंग नहीं करी थी तो उनको इतना मालूम नहीं है। तो अभी जब मेरा स्टैंड लगा होता है घर में कहीं पे तो मेरे फादर इन लॉ एंड मेरी मदर इन लॉ जब कैमरा चल रहा है तो ऐसे ऑन रहता है कैमरा तो अपनी शक्ल ही देख रहे हैं उसमें, पर उनको मालूम नहीं कि वीडियो ही रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब ऑल दो मैं बोल भी रही हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है करके, बट उनके दिमाग में कुछ चलता होगा शायद, अपने आप को थोड़ी ऐसे देखेंगे। मैंने अभी तक ये वीडियो जैसे एडिट नहीं किया, अभी तो मैं शूट ही कर रही हूँ, तो मैंने देखा था बीच में कि मेरी इन लॉस जब मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ जो मैंने लगाया तो कैमरा में ही ऐसे देख रहे थे, तो उसमें कोई कट नहीं मारूंगी मैं, एज इट इज़ रख दूंगी जो भी है। आप भी एंजॉय करना, और थोड़े बहुत काम और है, जैसे वो जो मैंने लड्डू पाउडर है उसके लड्डू बनाने हैं, मतलब उसमें घी गरम करके डाल के उसके ऐसे ऐसे करके पेड़े बनाने हैं, तो अभी बनाएंगे बाद में बनाएंगे देखेंगे। तो लंच टाइम होने वाला है
और मेरे इन लॉज को मेरे को खाना भी सर्व करना है, फिर अभिषेक को भी खिलाना है। हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, आदित्य भी स्कूल चला गया है और आदित्य की जल्द ही छुट्टियाँ भी शुरू होने वाली है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अभी इन लॉज तो यहाँ पे आ गए, तो अभी हम इन लॉज के वहाँ जाएंगे या कहीं और जाएंगे पता नहीं, बट देखेंगे। तो मैं एक बार बिंदी लगा के, बिंदी वैसे नहीं भी लगाओ तो भी अच्छा ही लग रहा है गेस, लगा के देखते एक बार। तो मैंने बिंदी भी लगा ली और बिंदी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे को बिंदी के साथ ही पसंद है क्योंकि मैं बहुत आदी हो चुकी हूँ बिंदी की। विदाउट बिंदी भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में फर्स्ट प्राइज मैं इसी को देती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अब मैं ड्रेस दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो है अभिषेक के साथ हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। आप लोग को मैंने मेरी ड्रेस भी दिखा दी, तो अभिषेक के साथ हम लोग आज का ब्लॉग फिर से एंड करते हैं कल की तरह से। व्हाट इज दिस अभिषेक ड्रेस? तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye bye, friends. See you tomorrow.